नमस्कार। मैं आपके सामने फिर भी एक बार उपस्थित हूं। इस बार आप देख रहे हैं कि मैं ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल नोएडा की ओर से यहां मौजूद हूं। सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करता हूं ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल नोएडा और प्रिय सुशील भारती जी का, जिन्होंने मुझे निमंत्रित किया, साथ ही श्री संदीप मारवाह जी का तथा मारवाह स्टूडियो नोएडा का। हम सब जानते हैं कि ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल नोएडा आज न केवल नोएडा की शान है और उस पे नोएडा वासियों को तो गर्व है ही, बल्कि पूरे देश का ये एक महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित आयोजन बन चुका है। कुछ वर्षों से चल रहा है, तो मुझे खुशी है कि मैं इसके साथ आज फिर जुड़ा हूं और आपके सामने हूं। प्रारंभ ही मैं दो बातें जरूर कहना चाहता हूँ। एक तो ये कि ये जो तकनीक है, इसमें मैं बहुत पारंगत नहीं हूं, फिर भी कोशिश रहेगी कि सब कुछ ठीक ठाक रहे। मुझे जो बताया गया है उसके अनुसार प्रारंभ में मैं अपने बारे में कुछ बताऊंगा, ताकि जो दर्शक मेरे बारे में कम जानते हैं या नहीं जानते, उनको थोड़ी बहुत जानकारी हो जाए। साथ ही हम सब जानते हैं कि पिछले दिनों हमारे बीच से हमारे अनेक महत्वपूर्ण साहित्यकार रचनाकार चले गए हैं, दिवंगत हो गए हैं। उनके प्रति मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। कुछ लोग शायद नहीं जानते कि देविक रमेश मेरा उपनाम है, या कह लीजिए साहित्यिक नाम है। वास्तविक नाम रमेश चंद शर्मा है। ये देविक जो शब्द बना, ये दिल्ली विश्वविद्यालय कवि या कविता से बना है। दिल्ली से दी, विश्वविद्यालय से वी, और कविता या कवि से क। इस पे बहुत बार मैंने बताया है, लिखा भी है, इसलिए विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। मेरा जन्म दिल्ली के ही एक गांव में हुआ, जिसका नाम है केराड़ी। वह बहादुरगढ़ के पास, जो हरियाणा की सीमा लगती है, उस पर बसा हुआ है। 5वीं कक्षा तक मैं अपने गांव में ही रहा, उसके बाद ननिहाल आ गया था। और ननिहाल मेरा देवनगर करोलबाग दिल्ली में था। उसके बाद शारीरिक रूप से तो गांव से संबंध टूट गया, लेकिन आत्मा अभी भी गांव के साथ जुड़ी हुई है। इसलिए मेरी अनेक कविताओं में मेरा गांव, मेरी बोली कभी ना कभी झलकती रहती है। मेरी सारी शिक्षा दिल्ली में ही हुई, दिल्ली के स्कूलों में, दिल्ली विश्वविद्यालय में। मेरा कार्य क्षेत्र भी दिल्ली ही रहा। मैं मोतीलाल नेहरू कॉलेज में 1970 से पढ़ाता रहा, बाद में वहीं प्राचार्य हुआ और 2011 में सेवानिवृत्त हुआ। इस बीच मुझे दक्षिण कोरिया के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय हांकुक यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज में भी अतिथि आचार्य के रूप में कार्य करने का अवसर मिला,
भारत सरकार की ओर से, और एक लंबे समय तक मैं वहां रहा। जहां तक मेरे साहित्यिक रचनात्मक कार्य क्षेत्र की बात है तो मेरा क्षेत्र प्रमुख रूप से कविता का है, बाल साहित्य का है। अनुवाद भी मैंने किए हैं, विशेष रूप से कोरियाई साहित्य के, कोरियाई कविताओं के। और दूसरी भाषाओं के भी, क्योंकि प्राध्यापन से जुड़ा रहा हूं इसलिए लेख आदि भी लिखता रहा हूं, तो उसकी भी कुछ पुस्तकें हैं। कुल मिलाकर के 60 के करीब मेरी पुस्तकें हैं। इस अवसर पर मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ठीक ठाक जो मेरी कविता, पहली कविता छपी थी, वो कलकत्ता और आज के कोलकाता की एक पत्रिका में छपी थी, जिसका नाम मणिमय था। ये मणिमय ये पत्रिका है, मैंने आज तक इसको रखा हुआ है। मेरा पहला संग्रह रास्ते के बीच छपा था और ये आवरण इमरोज जी का बनाया हुआ है। इमरोज और अमृता प्रीतम के बारे में हम सब जानते हैं। पहले मैं रमेश शर्मा के नाम से लिखा करता था प्रारंभिक कुछ वर्षों में। मेरी पहली कविता भी जो मणिमय छपी, रमेश शर्मा के नाम से, लेकिन बाद में देविक रमेश के रूप में ही तमाम रचनाएं छपी हुई हैं। और जो तमाम मेरी पुस्तकें हैं 60 के करीब, उनमें देविक रमेश ही नाम मिलेगा। मैं जब बीए में था तो मुझे विशेष रूप से दो प्राध्यापकों का बहुत स्नेह मिला, प्रोत्साहन मिला, जिनमें एक डॉक्टर कमल किशोर गोयनका और दूसरे गंगा प्रसाद विमल जी रहे। मुझे इस बार का दुख है कि गंगा प्रसाद विमल जी अभी पिछले ही कुछ दिनों श्रीलंका में उनका एक दुर्घटना में देहांत हुआ। वस्तुतः प्रारंभ में मैं गीत नुमा रचनाएं रचता था, लेकिन जिसको मुक्त छंदी रचना करते हैं उसकी तरफ लाने वाले गंगा प्रसाद विमल थे। बाद में मेरा पहला संग्रह जो रास्ते के बीच है, उसके लिए कविताओं का चयन किया था हमारे प्रख्यात कवि शमशेर बहादुर सिंह जी ने। उनका बहुत बड़ा योगदान मुझे आगे बढ़ाने में रहा है। इनके बाद मेरे काव्य गुरु के रूप में त्रिलोचन जी मेरे जीवन में आए। उन्होंने मेरी दूसरे संग्रह खुली आंखों में आकाश के लिए कविताओं का चयन किया था, लेकिन उनका बहुत प्रभाव मिला, प्रभाव मुझे मुझ पर पड़ा है और आज तक मैं उनको याद करता हूँ कि किस रूप से उन्होंने मेरी कविताओं को एक नया मोड़ दिया था। संक्षेप में इतना और कि जो 20वीं शताब्दी का 8वां दशक कहा जाता है, मैं उसी से जुड़ा हुआ कवि हूँ। ये वो समय था जब अकविता या निषेधवादी जो कविता थी, उससे हम सब निकल रहे थे। लोक धर्मिता को महत्व देते हुए सकारात्मक या विधेयात्मक दृष्टि को अपना रहे थे। उस समय के जो तमाम कवि हैं, साथी कवि हैं, उनकी कविताओं में ये सब देखने को मिल सकता है और आप जानते ही होंगे। बहरहाल, संक्षेप में इतना ही कहना चाहता था। कविता का की अपनी जमीन होती है, कविता का अपना आकाश भी होता है, लेकिन कविता आकाश से नहीं आती, आती वो जमीन से ही है। कवि के संदर्भ में वो बहुत ही निजी कार्य होता है, निजी रचना होती है, लेकिन अपने असर में वो सामूहिक होती है, तभी उसका महत्व भी है। साहित्य का क्या महत्व होता है, इसका एक उदाहरण मुझे
दक्षिण कोरिया में मिला था, जब मैंने पाया था कि रविंद्रनाथ टैगोर की 4 पंक्तियों की एक कविता, जो उन्होंने एक तरह से हस्ताक्षर कर देते हुए लिखती थी किसी कोरियन के लिए, वो कितना महत्व रखती है आज तक कोरियाई लोगों के जीवन में, उससे पता चलता है कि साहित्य जब अपना असर करता है तो किस हद तक असर करता है। अब मैं कविताओं पर आता हूँ, बातें तो काफी हो गई, ये तमाम बातें वैसे मेरे बहुत सारे साथियों को, बहुत सारे पाठकों को पता ही है। कविता को लेकर के मैंने अनेक कविताएं लिखी हैं, लेकिन उनमें से एक कविता मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये 1980 में लिखी गई थी, उससे पता चलेगा कि कविता के संदर्भ में मैं क्या सोचता हूं। शीर्षक है खूबसूरत कविता। मैंने चाहा एक खूबसूरत कविता लिखूं, मैंने चाहा एक खूबसूरत कविता लिखूं, हजारों बाहों वाला एक खूबसूरत वृक्ष फलों से लद गया। खूबसूरत आंखें मटका मटका कर कुछ चिड़ियां टहनियों पर घिसने लगी चोंचे। आप सब जो इस कार्यक्रम से जुड़ गए हैं, उन सबके प्रति मैं आभारी हूं। इतना ज्यादा मैं जानकार नहीं हूं, तो हो सकता है सबके नाम ना ले पाऊं, लेकिन मैं जिनको देख रहा हूं, धीरज हैं, दिशा शर्मा हैं, प्रवीण है, सुशील भारती जी है, समझिए मैं सबके प्रति ही अग्रिम धन्यवाद व्यक्त कर रहा हूं। तो कविता है, मैंने चाहा एक खूबसूरत कविता लिखूं, हजार बाहों वाला एक खूबसूरत वृक्ष फलों से लद गया। खूबसूरत आंखें मटका मटका कर कुछ चिड़ियां टहनियों पर घिसने लगी चोंचें। वृक्ष धीरे धीरे एक खूबसूरत जंगल का हिस्सा बन गया। कोई समुद्री परिंदा गुपचुप जंगल के कानों में समुद्र का पता दे गया। मैंने चाहा एक खूबसूरत कविता लिखूं, कबीले का एक खूबसूरत बच्चा समुद्री लहरों को बाहों में समेटने यात्रा पर निकल गया। ये कुछ खूबसूरत तेज रंग दिशाओं से दिशाओं तक, गीले पृथ्वी पर इधर से उधर बहने लगे। मैंने देखा अंधकार का एक काला शाह पिंड रोशनी की हल्की तीखी किरण से पिंद गया। मैंने पाया मैं खुद कैनवस पर एक खूबसूरत पोर्ट्रेट बन गया। मैंने चाहा एक खूबसूरत कविता लिखूं, हजारों बाहों वाला एक खूबसूरत वृक्ष फलों से लत गया। मित्रों, इस समय काफी आपदा और संकट का चल रहा है, कोरोना कोरोना की वजह से, और हम सबको बाध्य होना पड़ रहा है अपने अपने घरों में रहने के लिए। बहुत सारे लोग अकेले भी रहने को बाध्य हैं। बहुत पहले एक कविता लिखी थी मैंने, शक्ति भी है अकेला आदमी, ये राष्ट्रीय सहारा में छपी थी 24 मई 1998 को। मुझे लगा ये कविता आज भी मेरे लिए या आप सबके लिए भी उतनी प्रासंगिक हो। अकेला तो होना पड़ता है, लेकिन अकेला अकेले में से हम अपनी जो शक्ति उसको अर्जित कर लें, तो अकेलापन एक शक्ति बन जाता है। इसलिए शीर्षक है शक्ति भी है अकेला आदमी। बहुत भयभीत कर सकता है एक अकेला सा शब्द अकेला। बहुत भयभीत कर सकता है एक अकेला सा शब्द
अकेला शक्ति का जर्रा जर्रा निकाल, शक्ति का जर्रा जर्रा निकाल कर तन से झुका सकता है, कितनी ही शक्तियों के सामने घेर सकता है, कितने ही भयों में भयों से घिरी घटनाओं से जिन्हें अभी होना था, बहुत भयभीत कर सकता है। एक अकेला सा शब्द, अकेला, शक्ति का जर्रा जर्रा निकाल कर तन से झुका सकता है, कितनी ही शक्तियों के सामने घेर सकता है, कितने ही भयों से घिरी घटनाओं से जिन्हें अभी होना था। अकेला आदमी, अकेला आदमी अगर हो जाए अकेला अपने से भी, अकेला आदमी अगर हो जाए अकेला अपने से भी तो बहुत तकलीफ दे, तो बहुत तकलीफ देता है यह शब्द अकेला। गा उठता है कवि, अकेला हूं अकेले रहा नहीं जाता, तड़प उठता है आदमी अपने द्वीप से अकेलेपन के खौफ पर नहीं रह पाता हावी देर तक अगर कुरेद लिया जाए थोड़ा। चलता है जब आदमी अकेला, चलता है जब आदमी अकेला तो नहीं होता इतना भी अकेला। थोड़ा घर भी होता है उसके साथ, होता है थोड़ा आसपास भी, होता है थोड़ा आसपास भी, चलता है जो बिन थके बिहड़ों में भी साथ साथ। एक राह भी होती है जुड़ी पांव से, एक राह भी होती है जुड़ी पांवों से, बिछी पीछे अर्जित कर आए हैं जिसे खुद पांव अपने। अकेले आदमी के पास, अकेले आदमी के पास हो सकती हैं थोड़ी प्रार्थनाएं भी स्वरचित, शायद सबसे ज्यादा हो सकती है थोड़ी चुनौतियां भी, हो सकती है थोड़ी चुनौतियां भी, चुनौतियों से लबालब बहुत कुछ हो सकता है अकेले आदमी के पास। हो सकते हैं कुछ चित्र जिन्हें वे चाहता रहा है देखना, हो सकते हैं कुछ अनुभव जिन्हें वह चाहता रहा है जीना, कुछ रंग भी हो सकते हैं जिन्हें वह चाहता रहा है भरना। बांस बुरास में उगती हरी पत्तियों से एहसास भी हो सकते हैं तनिक, जिनसे वह चाहता रहा है चौंकना। क्या नहीं हो सकता अकेले आदमी के पास, क्या नहीं हो सकता अकेले आदमी के पास, बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ ऐसा जैसा सोच भी नहीं सकता अकेला होने से पहले अकेला आदमी। जब भी नहीं होने दिया अकेला, जब भी नहीं होने दिया अकेला, अकेले आदमी ने खुद को, शक्तियां झुकी हैं। एक शक्ति भी हो सकता है अकेला कर दिया गया आदमी, एक शक्ति भी हो सकता है अकेला कर दिया गया आदमी। और अगली कविता भी है तो पुरानी, लेकिन मुझे लगता है कि आज के समय में फिर ये कविता मुझे आज की ही लग रही है। एक संवाद, छोटी सी कविता है। कोई पुकार रहा है बाहर मां, कोई पुकार रहा है बाहर मां, जाने कौन है ऐस वक्त, पर बुआ न खोली पुत, बुआ न खोली, आप पे चला जावेगा पुकार के, पुत बुआ न खोलना रब दे वास्ते।
पर मां, पुकार के आगे तो बुआ खोलना ही पड़ेगा ना। पर मां, पुकार के आगे तो बुआ खोलना ही पड़ेगा ना। ना पुत ना बखत हूं, ओ बखत नहीं रहा, आप पे चला जावेगा पुकार के। समय कैसा भी हो, रास्ते सारे चाहे बंद हुए पड़े हों, लेकिन अगर हमारे पास खुशी है और वो भी बांटने को। कविता है खुशी, ये मुंबई की पत्रिका अनभय उसमें छपी थी जनवरी मार्च 2007 में। खुशी, खुशी को मैंने उंगलियों में पकड़ा, खुशी को मैंने उंगलियों में पकड़ा और सहलाया उसकी पंखड़ियों को, और सहलाया उसकी पंखड़ियों को। पाया खुशी शर्माते शर्माते सकुचा गई थी। मैंने खोला, मैंने थोड़ा खोला खुशी की पंखड़ियों को। पाया खुशी मेरी खुशी में सम्मिलित हो गई थी। मैंने खोल दिया पूरा और कर दिया अर्पित उसे, उस पूरी दुनिया पर जहां नहीं थी वह। पाया मैंने कभी नहीं देखा था खुशी को इससे ज्यादा खुश पहले कभी। मैंने खोल दिया पूरा और कर दिया अर्पित उसे, उस पूरी दुनिया पर जहां नहीं थी वह। पाया मैंने कभी नहीं देखा था खुशी को इससे ज्यादा खुश पहले कभी। ताज्जुब मेरी खुशी तक मना रही थी जश्न, जैसे मुक्त हो गई थी मेरी ही कैद से। आज अपने देश में हर और हम देख रहे हैं किस प्रकार से प्रवासी मजदूर कैसी कैसी स्थितियों का सामना कर रहे हैं। बहुत ही कारुणिक और कभी कभी तो बहुत मन को भर देने वाली स्थितियां देखने को मिलती है, विचलित करती है मन को। लेकिन फिर बता दूं कि एक कविता है, तो वो भी बहुत पहले की, शीर्षक है गुलाम देश का मजदूर गीत, और ये पहल 14 में छपी थी 1979 में, पहल 14 में। मजदूरों की के अनुभव से उपजी कविता है, शीर्षक पर फिर गौर कर लीजिए, गुलाम देश का मजदूर गीत। एक और दिन बीता, बीता क्या जीता है पहाड़ सा, अब सो जाएंगे थक कर। टूटी देह की यह फूटी बीन सी, कोई और बजाए तो बजा ले, हम क्या गाएं, हम तो सो जाएंगे थक कर। कल फिर चढ़ना है, कल फिर जीना है, जाने कैसा हो पहाड़, फिर उतरेंगे, बस यूं ही अपने तो दिन बीतेंगे। सच में तो जिंदगी भर हम अपना या औरों का पहाड़ ही ढोते हैं, बस ढोते रहते हैं। सुना है हमारी मेहनत के गीत कुछ निठल्ले तक गाते हैं, सुना है हमारी मेहनत के गीत कुछ निठल्ले तक गाते हैं, सुना है हमारे भविष्य की कल्पना में कुछ जन गढ़ाते हैं। कुछ तो जाने किस उत्साह में हमारे वर्तमान ही को हमसे झुठलाते हैं।
हमारा भविष्य तो खुद हमारा बच्चा भी नहीं होता। पेट में ही जो ढोने लगता हो ईंटें, पेट में ही जो ढोने लगता हो ईंटें, पेट में ही जो मतने लगता हो गारा, पेट में ही जिसको सिखा दिया हो सलाम बजाना, पहले ही दिन से खुद जिसने शुरू कर दिया हो कमाना, कोई स्वप्न गुनगुनाए तो गुनगुना ले, वरना हमारा बच्चा भी हमारा भविष्य नहीं होता। होता होगा, होता होगा, होगा किसी का भविष्य किसी के देश का, होता होगा, होगा किसी का भविष्य किसी के देश का, किसी के समाज का, लेकिन हमारा नहीं होता। होगा भी कैसे, हमारी परंपरा में खुद हम कभी अपना भविष्य नहीं हुए। हम तो बस सीने पर रख महान उपदेशों को सो जाते हैं थक कर। इतना ही क्या काफी नहीं कि एक दिन और बीत गया पहाड़ सा, अब रात आई है सुख भरी रात, कौन गवाए इसे। सुबह तो ससुरी रोज भूख ही लगाती है, क्यों करें प्यार फिर ऐसी सुबह से। कैसे थरक उठे पांव, कैसे गाएं ये कंठ, कैसे मनाएं खुशियां सरकारी उत्सवों में नाचते नच भैयों से। कहां है आजाद, कहां है आजाद ये गुलाम देश, और कहां है आजाद ये हम। आजादी की परख देश की सुबह से होती है, और सुबह तो हर रोज काम पर भूखा ही भगाती है। पर चलो एक दिन और बीता, बीता क्या, जीता है पहाड़ सा, अब सो जाएंगे थक कर। अगली बहुत छोटी कविता है खेत। खेत, आग के खेत, खेत में रेत, रेत पर किसान। आग के खेत, खेत में रेत, रेत पर किसान। किसान के दो हाथ, हाथ में भगवान, भगवान का आकाश, आकाश खाली किसे दे गाली। अगली कविता का शीर्षक है प्यार ही कहां कर पाए हैं ठीक से। जब सिखाता है कोई, जब सिखाता है कोई नफरत करो मस्जिद से, तो नहीं जानता कैसे नफरत होने लगती है मंदिर से भी। जब सिखाता है जब कोई, जब सिखाता है कोई नफरत करो मस्जिद से, तो नहीं जानता कैसे नफरत होने लगती है मंदिर से भी। जैसे सिखाता है जब कोई प्यार करना चर्च से, तो प्यार मस्जिद पर भी लगता है उमड़ने। किसकी करामात है यह, खुद ईश्वर की, क्या कहूं। देख तो नहीं पाया कभी ईश्वर को, हाँ पुजारी पंडे मौलवी पादरी अगर ईश्वर हैं तो बात अलग है। यू कौन नहीं जानता धर्म का अधर्म और अधर्म का धर्म, कहूं धर्म या अधर्म इसे नहीं जानता। नहीं जानता करता हूं या नहीं करता प्यार, नहीं जानता करता हूं या नहीं करता संदेह। अभी तो प्यार ही दिखता है हर जगह, हर जगह जैसे दिखता है आकाश अपना, बावजूद तरेड़ खाई धरती के। कह सकता हूं अभी उम्र ही क्या हुई है पृथ्वी की, कह सकता हूं अभी उम्र ही क्या हुई है पृथ्वी की, अभी तो जिंदगी पड़ी है। कहां कर पाए हैं प्यार अभी ठीक से। बहुत मुश्किल होता है ना करना वही जो बहुत आसान होता है, बहुत मुश्किल होता है ना करना वही जो बहुत आसान होता है। नफरत का क्या है,
वह तो जब चाहे कर ही लेंगे, अभी तो प्यार ही कहां कर पाए हैं ठीक से। ये कविता है, एक थे हनीफ दादा भी मेरे। एक थे हनीफ दादा भी तुम्हारे, बताया करते थे दादा। एक थे हनीफ दादा भी तुम्हारे, बताया करते थे दादा। भरा पूरा परिवार था उनका, यहीं रहते थे जहां अब काबिज है मुंशी। दादा ने बताया था, जब मैं हुआ तो लड्डू उन्होंने नहीं हनीफ दादा ने बांटे थे। मूछों से गुदगुदाया करते थे हनीफ दादा मुझको, बहुत खींचे हैं हनीफ दादा के कान मैंने। बोरी की तरह हिला करते थे झूम झूम कर, दादा ने बताया था, दादा ने बिटोड़े में छिपाया था। दादा ने बिटोड़े में छिपाया था हनीफ दादा और उनके परिवार को बंटवारे के दिनों में। खाना चुग्गा सब वहीं पहुंचता था चोरी छिपे, आखिर पढ़ी गई थी भनक। मैं बहुत छोटा था तब बहुत छोटा। दादा बचा नहीं सके थे हनीफ दादा को, नहीं बचा सके थे दादा 36 गांवों के पुरोहित होकर भी, नहीं बचा सके थे, ढहते चले गए थे ढूं से। दादा ने और कुछ नहीं बताया, गीली आवाज में बस इतना और कहा। दादा ने और कुछ नहीं बताया, गीली आवाज में बस इतना और कहा, वह आज ही का दिन था मेरा एक भाई, जालिमों ने एक गऊ की हत्या का पाप लिया था। जालिमों ने एक गऊ की हत्या का पाप लिया था। मेरे सामने अब एक ऐसी कविता है जो है तो बहुत पुरानी, माने 1975 की, 7 मार्च 1975 पृष्ठभूमि में छपी थी, उससे पहले लिखी गई होगी, लेकिन ये मेरे किसी भी संकलन में नहीं आ सकी अब तक के। थोड़ी सीधी कविता है, आवाज कभी नब्ज नहीं खोती। मेरा अखबार हर रोज छीनता है मेरी नींद का हिस्सा। मेरा अखबार हर रोज छीनता है मेरी नींद का हिस्सा, और आप ऊंचे दायरे में बैठ एक और फाइल खोल लेते हो आश्वासनों की। फाइलों पर फाइलें जमती चली जाती है धूल की परतें। फाइलों पर फाइलें जमती चली जाती हैं धूल की परतें। कभी सोचा है जब आदमी इंसानियत से गिरकर खुद अपनी हड्डी चूसता है, तब आपकी विदेश यात्रा उसकी मौत का पैगाम होती है। जी हाँ, जब मेरा देश खून की उल्टियां कर रहा हो और वह भी चुक जाए, तब भी आपका अपनी सुविधाओं के आगे विशेष लगाना, बोलो एक बेशर्म आदेश से कहाँ कम होता है। सोचा है आपने, जहां पेड़ की शाख तक जवाब दे जाए, वहां आपके अंग रक्षकों से घिरे शरीर का किसी के कल्पनातीत लान में टहलना नहीं होती क्या इति इंसानियत की। लेकिन आप नहीं समझेंगे, जरूर वह भूकंप आएगा जब एक के बाद एक ठू फाइलों का ढह जाएगा, और आप चरमराकर जलती हुई फाइलों के बीच यूं पड़ोगे, यूं कि अपने ही आश्वासनों से अभिशप्त किसी को पुकार तक नहीं सकोगे। आजादी तब आप नहीं मेरा देश भोगेगा, सुनो आवाज कभी नब्ज नहीं खोती। राजा का क्या दोष कविता है। हंसता है मंत्री,
पंचतंत्र युगीन किसी भेड़िए की तरह सोचता है मनी मन, कितना दृढ़ निश्चयी है हमारा राजा, कितना पत्थर नहीं नहीं पहाड़ दिल अड़िग, बड़े से बड़े मूर्ख की भी मूर्खता से ज्यादा अड़ियल। हंसता है मंत्री, पंचतंत्र युगीन किसी भेड़िए की तरह सोचता है मनी मन, कितना दृढ़ निश्चयी है हमारा राजा, कितना पत्थर, कितना पत्थर नहीं नहीं पहाड़ दिल अड़िग, बड़े से बड़े मूर्ख की भी मूर्खता से ज्यादा अड़ियल। राजा का क्या दोष, जो कह दिया सो कह दिया, राजा भी कभी हटा है पीछे कहे से अपने, पिसना हो तो पिसे जनता, आ नहीं जाना चाहिए था अब तक तो शऊर उसे पिसने का, राजा का हित सबसे बड़ा होता है, राजा राजा है समझना चाहिए प्रजा को, देना होता है राजा को राजा की ही तरह हुक्म, झुकने को प्रजा होती है राजा नहीं, राजा जानता है डरना धर्म है प्रजा का, सो डराते रहना चाहिए उसे भुलाकर उसकी भूख तक, राजा रक्षक होता है और सीमा पार के देश संभावित शत्रु, समझाते रहना चाहिए प्रजा को, राजा का क्या दोष। थोड़ा दूसरे मिजाज की एक दो कविताएं और, शीर्षक है डोलू, एक बच्ची के रूप में डोलू है। डोलू हंसती है तो कौन है जो नहीं लगता हंसने, डोलू हंसती है तो कौन है जो नहीं लगता हंसने, डोलू हिलती है तो कौन है जो नहीं लगता हिलने, डोलू चढ़ती है कंधे पर तो हर पहाड़ हो जाता है बौना, डोलू चलाती है पांव तो उमड़ उठती है लहरें समुद्र में, डोलू बनाती है आकृतियां, डोलू बनाती है आकृतियां घिराते हैं मेघ, देखती है टुहुक टुहुक गा उठते हैं पक्षी पेड़ों पर, देखती है टुहुक टुहुक गा उठते हैं पक्षी पेड़ों पर, नहीं ठहराती आंखें किसी एक और, नहीं ठहराती आंखें किसी एक और, लौट पड़ती हैं गायें घरों को गोधूली में, डोलू के पास एक भाषा है अपनी, डोलू के पास एक भाषा है अपनी, एक जिद है डोलू के पास प्यारी सी अपनी भाषा समझाने की, डोलू रोती है न समझने वाले की बुद्धि पर, डोलू हंसती है तो कौन है जो नहीं लगता हंसने। हंसना हंसना हंसना, खोल कर तो देखो अपना वक्ष लहरों के लिए, खोल कर तो देखो अपना वक्ष लहरों के लिए, होकर तो देखो लहर लहर भीतर बाहर, उत्सुक तो हो बांट आने को अपना आपा लहरों की नाव चढ़कर, अपने गहरे अथाह अंधेरे से उठकर लेकर तो देखो वह खुशबू, अपने गहरे अथाह अंधेरे से उठकर लेकर तो देखो वह खुशबू जो दूर दूर तक फैली है तुम्हारी दुनिया की सरहदों से शुरू होकर, किसी को क्या ऐतराज हो सकता है अगर तुम चाहते हो सागर होना, पर तुम्हें होना चाहिए ढेर सी कहानियों का खजाना, पर तुम्हें होना चाहिए ढेर सी कहानियों का खजाना, हजारों हजार बच्चों के साथ खिलखिलाता विशाल मैदान, तलवे गुदगुदाती दूर दूर तक फैली घास, और तुम्हारा खारापन हो जाना चाहिए दादा की झिड़कियों सा मीठा, तुम्हें तब कौन रोक सकता है होने से सागर, एक बार होकर तो देखो सागर,
एक बार होकर तो देखो सागर, खुद ब खुद आ जाएगा टकराना चट्टानों से, हंसना हंसना हंसना। कविता है उदासियां और मां। मैं कमेंट्स देख नहीं पा रहा हूं शायद। समय कितना है? मैं शायद एक आध कविता ही पढ़ने का और होगा समय। नमस्कार आ रही है विनय जी की भी। नमस्कार भैया, बहुत सारे देख लेता हूँ कविता से पहले पहले। ममता किरण भी हैं, वाह। और साहिल भाटिया जी भी हैं, तो कई लोग हैं। ये टेक्निक ऐसी है जिसमें पता ही नहीं चलता। ओ कौशल किशोर जी, हाँ सो जाएंगे थक कर ये कव। मुझे अभी तक याद है कि ज्ञान रंजन जी को ये कविता बहुत पसंद आई थी और उन्हें बड़े अच्छे ढंग से इसको छापा भी था पहल में। तो ये बहुत सारे आप मित्र आए हैं और बहुत सारे मैं सबके कमेंट्स देख रहा हूँ। नीलम वर्मा जी, अंशुपाल, अमिता और तमाम और लोग हैं। चलिए अब मैं कविता की तरफ लौटता हूँ। उदासियां और माँ। उदासियों के पास भी होती है एक मुस्कुराहट। उदासियों के पास भी होती है एक मुस्कुराहट, जैसे होता है भोला सा आशीर्वाद लुटी खुशी एक माँ के पास भी। छिपी होती है मुस्कुराहट उदासियों के कि किसी ना किसी परत में। छिपी होती है मुस्कुराहट उदासियों की किसी ना किसी परत में, जैसे आशीर्वाद माँ के माथे की किसी ना किसी सलवट में। चाहे खुद ना मुस्कुरा पाती हो उदासी, चाहे खुद ना मुस्कुरा पाती हो उदासी, अपनी मुस्कुराहट पर मुस्कुराती है मुस्कुराते हुए आदमी की मुस्कुराहट पर। माँ न खोज पाती हो चाहे आशीर्वाद खुद के लिए खुद में से। माँ न खोज पाती हो चाहे आशीर्वाद खुद के लिए खुद में से, पर देने को होता है पूरा कोश उसके पास आशीर्वाद का। करहाती हैं उदासियां जब खदेड़ा जाता है उन्हें, इंसान को इंसान से लड़ाते बेड़ों में। करहाती है माँ भी जब देखती है तनी संतान को ही संतान के विरुद्ध। उदासियों का अपना एक आकाश होता है, उदासियों का अपना एक आकाश होता है, और पृथ्वी भी सजो कर रखती है जिनमें वे बहुत कीमती मुस्कुराहटों को, ठीक जैसे माँ भी रखती है सजो कर आशीर्वाद अपने आकाश और पृथ्वी की जान से भी प्यारी मैली सी पुटलिया में। उदासियां जब माँ हो जाती हैं, उदासियां जब माँ हो जाती हैं, तो बरसते हैं मेघ हम पर मुस्कुराहटों के आशीर्वादों के। ब्रह्मांड आ खड़ा होता है सामने एक महाकाव्य की तरह, जिसे हम बाँचते हैं और बाँचते हैं। बहुत ही छोटी सी कविता है। स्मृति। मौसम को भी जाने क्या सूझता है कभी कभी, मौसम को भी जाने क्या सूझता है कभी कभी, जा लटकता है शहद के छत्ते सा आकाश में। मौसम को भी जाने क्या सूझता है कभी कभी, जा लटकता है शहद के छत्ते सा आकाश में, टपका कि अब टपका। मेरे ख्याल में समय हो गया होगा, इतना बताया गया था मुझे। तो
सुशील भारती जी, क्या मुझे अब बंद करना चाहिए? त्रिलोकनाथ पांडे जी नमस्कार, आप भी हैं, नीलम वर्मा, अभिषेक खन्ना, चलिए बहुत लोग सुन रहे हैं तो अच्छी बात है। और भी बहुत सारे लोग हैं। अब देखिए, मैं पहले ही कह रहा हूँ ना कि मुझे ये आता ही नहीं है इसको बहुत कुछ। बहरहाल, अब यदि कुछ और बातें करनी हो तो कीजिएगा, अन्यथा मैं इसका फायदा उठाते हुए एक कविता और सुना दूं। कोई प्रश्न हो तो मुझसे, यहां मैं देख लेता हूं कि आया तो नहीं है कोई प्रश्न। मेरे ख्याल में अभी कोई प्रश्न, अब कविताएं सुनना है उसमें प्रश्न क्या? कुलदीप आहूजा जी भी है, हमारे बहुत पुराने मित्रों में है, और मुझे लगता है कि प्रश्नों के स्थान पर सौभाग्य मेरा भी है त्रिलोकनाथ पांडे जी कि आप मौजूद हैं कोलकाता से। मैंने बताया था कि मेरे काव्य गुरु त्रिलोचन जी रहे हैं, तो ये कविता उन्हीं को समर्पित है। शीर्षक है दांत। मैंने एक शेर पढ़ा था, वो इस कविता के ऊपर चश्मा किया है। न हुआ पर ना हुआ अंदाज मीर का नसीब, यारों ने जोर बहुत मारा गजल का। शीर्षक कविता का दांत। खबर है कि नहीं रहा एक अगला दांत कवि त्रिलोचन का। खबर है कि नहीं रहा एक अगला दांत कवि त्रिलोचन का। न हुआ पर ना हुआ अफसोस मीर का नसीब, सामने साक्षात थे वासुदेव, कि न चल सका जोर जो मारा बहुत था। भाई बाकी तो सब सलामत है, बेकार था सो गया, अफसोस क्या। सुनो, शोभा के लिए अधिक होते हैं ये अगले दांत, और भाई त्रिलोचन और शोभा, वहां दिल्ली का क्या हाल है, सर्दियों में खासी कटखनी होती है सर्दी। कहूं कहूं यूं तो वार दो दुनिया की तमाम शोभा आप पर, तो भी लगवा ले तो हर्जी क्या है त्रिलोचन जी। नकली जो मिलता है यानी वेतन, या तो दांत ही लगवा लूं या फिर भोजन जुटा लूं महीने भर का। वेतन पर आप तो पाते हैं प्रोफेसर का, ऐसा तो मैं चुप हूं भाई, त्रिलोचन भीख तो नहीं मांगेगा। चुपी रहा गनीमत थी, चुपी रहा गनीमत थी, नहीं मिली थी उपाधि उज्जवक की। क्या सच में शोभा के लिए होता है अगला दांत महज? क्या सच में शोभा के लिए होता है अगला दांत महज, और इसीलिए बेकार भी? कहा काटने के भी तो काम आता है त्रिलोचन जी, रहता तो काटने में सुविधा तो रही होती ना। ठीक कहा, त्रिलोचन हंसे मुस्कुराने की शैली में, तुम उज्जवक हो, काटने को चाकू होता है। अजीब उज्जवक था मैं भी, त्रिलोचन और काटना, आता काटना तो क्या कटे होते चिरानी पट्टी से। आप सब जानते हैं चिरानी पट्टी उनका गांव। अजीब उज्जवक था मैं भी, त्रिलोचन और काटना, आता काटना तो क्या कटे होते चिरानी पट्टी से, क्या कटे होते हर वहां से जहां जहां से काटा जाता रहा है उन्हें।
नहीं जानता त्रिलोचन सहमत होते या नहीं इस बात पर सोच कर रह गया और सपने को सपना समझकर भूल गया। हालांकि निष्कर्ष मेरे हाथ था, त्रिलोचन और काटना। कोई जिज्ञासा मेरे ख्याल में अभी नहीं आई है। धन्यवाद नीलम जी, आपको सटीक लगी दांत। भर शर्मा ने भी को अच्छी लगी कविता, धन्यवाद। भारत शर्मा और नमिता राकेश भी आ गई है, नीलम वर्मा भी। तो अब क्या किया जाए? एक अंत की ओर चलते हुए एक बिल्कुल दूसरे ढंग की एक और रंग की कविता, बहुत रंग की कविताएं मिलती हैं मेरे यहाँ, ऐसा मुझे भी लगता है और मेरे पाठकों को भी। राजस्थान पत्रिका में छपी थी कविता थाम कर पृथ्वी की गति, ये बिल्कुल एक दूसरी जमीन की कविता है। थाम कर पृथ्वी की गति, चाहता हूं रुक जाए गति पृथ्वी की। वैसे तो आज पूरा विश्व ही रुका हुआ है, लेकिन मित्रों ये कविता तो 17 दिसंबर 1995 की है। चाहता हूं रुक जाए गति पृथ्वी की, काल से कहूं सुस्ता ले कहीं, आज मुझे बहुत प्यार करना है जिंदगी से। खोल दूंगा आज मैं अपनी उदास खिड़कियां, खोल दूंगा आज मैं अपनी उदास खिड़कियां, झाड़ लूंगा तमाम जाले और गर्द, सुखा लूंगा सीलन भरे पर्दे, कहूंगा सहमी खड़ी हवा से, आओ आ जाओ आंगन में मैं तुम्हें प्यार दूंगा। कहूंगा सहमी खड़ी हवा से, आओ आ जाओ आंगन में मैं तुम्हें प्यार दूंगा। जाऊंगा तुम्हारे पीछे पीछे खोजने एक अपनी सी खुशबू शरद के पत्तों सा, रात से कहूंगा ले आओ ढेर से तारे, रात से कहूंगा ले आओ ढेर से तारे, सजा दो जंगल मेरे आसपास, मैं उन्हें आंखों की छुअन दूंगा। खोल दूंगा आज समेटी पड़ी धूप को, जाने दूंगा उसे तितलियों के पंख सवार ने, खोल दूंगा आज समेटी पड़ी धूप को, जाने दूंगा उसे तितलियों के पंख सवार ने, थाम कर पृथ्वी की गति, रोक कर काल चक्र, आज हो जाऊंगा मैं मुक्त, बहुत प्यार करना है मुझे जिंदगी से, बहुत प्यार करना है मुझे जिंदगी से। तो मित्रों, आप लोगों ने मेरी कविताओं को सुना, साथ साथ बहुत सारे मित्रों ने सराहाया भी, मुझे अपने ऊपर अपनी कविता पर भरोसा बढ़ा, बहुत बहुत आभार आप सबका, और पुनः आभार ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल नोएडा का, सुशील भारती जी का और संदीप मारवा जी का। तो मैं सोचता हूँ कि आप लोगों ने कविता सुनने का आनंद लिया और आपने एक सवाल किया, अच्छा तो लोग जिन्हें बच्चों को कविता की ओर किस प्रकार खींचा जाए। त्रिलोकनाथ बहुत अच्छे खुद भी कवि हैं और ये मुझे अच्छा लगा कि बाल साहित्य से संबद्ध प्रश्न उन्होंने पूछा। सवाल एक तरह से ये है कि बाल साहित्य की ओर कैसे आकर्षित किया जाए बच्चों को। सीधी सी बात है कि आज साहित्य तो बहुत अच्छा लिखा जा रहा है हिंदी में भी। वैसे तो हम सब जानते हैं कि शुरू में बंगला और मराठी का जो बाल साहित्य था बहुत उत्कृष्ट था, लेकिन आज हिंदी का
बाल साहित्य भी बहुत उत्कृष्ट है, विशेष रूप से कविता कहानी आदि, और अनेक विधाओं में लिखा जा रहा है, संस्मरण भी लिखे जा रहे हैं, उपन्यास तो है ही, नाटक तो है ही। और चुनौती ये भी है कि हमारे सामने बहुत सारे सुविधाजनक माध्यम हैं जिन जिनसे बच्चे ज्यादा जुड़ जाते हैं, लेकिन उसका उपयोग होना चाहिए और हो भी रहा है कि एक पुस्तक है, ये छपा हुआ शब्द बाल साहित्य का, और एक बाल साहित्य को आगे बढ़ाने वाले बहुत सारे कार्यक्रम है, चाहे वो कंप्यूटर पे हो, मोबाइल पर हो और स्थानों पर हो। मैं समझता हूं कि जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था या अभी जितना ध्यान दिया जाना चाहिए बाल साहित्य की ओर, उतना हमारे लेखकों आलोचकों ने भी नहीं दिया, संस्थाओं ने भी नहीं दिया। अब दे रहे हैं तो धीरे धीरे चीजें सुधर रही हैं। अभी बाल साहित्य के बारे में ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए, और मैं बार बार कहता हूं कि एक तो बाल साहित्य केवल बच्चों के लिए नहीं होता, वो तो सबके लिए होता है। बच्चों के लिए तो होता ही है, लेकिन वो सबके लिए होता है, अध्यापकों के लिए, हर उम्र के हर आदमी, किसी भी उम्र के आदमी के लिए होता है, सबको पढ़ना चाहिए। और ये भी मैं दावे के साथ कहता हूं कि जैसे वो जो भी जिस भी रूप में मनोरंजन या समझ साझा करने वाला हो बच्चों के लिए संदर्भ में, वैसे ही बड़ों के संदर्भ में भी है। बहुत बार बड़े भी सुसंस्कृत हो सकते हैं बाल साहित्य से। अभिभावकों को पढ़ना चाहिए, माता पिता को पढ़ना चाहिए, अध्यापकों को पढ़ना चाहिए। हमारे दादा दादी जब कहानियां किससे सुनाया करते थे हमारे जमाने में, तो आसमान से तो नहीं आते होंगे, कहीं से पढ़ते होंगे या श्रुति परंपरा से सुनते आए होंगे। आज हम बाकी तमाम चीजों की तरफ ध्यान देंगे और जो उत्कृष्ट बाल साहित्य लिखा जा रहा है उसकी तरफ ध्यान देंगे ही नहीं, जब हमें ही नहीं पता तो अपने बच्चों को हम क्या बताएंगे। तो सबसे बड़ा दोष तो मैं मानता हूं कि बाल साहित्य की ओर उपयुक्त ध्यान बड़ों को सबसे पहले देना चाहिए, और फिर उनमें से अच्छी बातें, अच्छी चीजें बच्चों को बतानी चाहिए, और जो चीज अच्छी होगी, उत्कृष्ट होगी, उसको क्यों नहीं बच्चे अपनाएंगे। तो मैं फिलहाल इस पे मैंने बहुत लिखा है, फिलहाल मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि बड़ों को एक आदर्श रूप सामने रखना पड़ेगा। उनको ही आप पढ़ते नहीं देखेंगे, उनको ही अगर आप साहित्येतर बस काम चलाऊ चीजों को सुनते पढ़ते देखेंगे तो बच्चे पर उसका असर तो पड़ेगा ही, लेकिन जब 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 बच्चे के हाथ में अच्छी चीज लगी है, उसे पढ़ी भी है और सराही भी है, पसंद भी किया है, आज हमारे ऐसे प्रकाशक भी आ रहे हैं जो उनको ढंग से छाप भी रहे हैं। मैं कोरिया में था, मैं देखता था कि उसकी छपाई, उसकी चित्र आदि इतने खूबसूरत उत्कृष्ट होते थे कि एकदम से बच्चा हाथ में उठाना चाहेगा। तो ऐसी पुस्तकें आनी चाहिए तो बच्चा निश्चित रूप से बाल साहित्य की ओर खींचेगा। फिलहाल इतना ही। और कोई प्रश्न अगर है, बहुत लिटरेरी फेस्टिवल से जुड़ देंगे आपने प्रश्न। हाँ सुशील जी, ये तो धन्यवाद आपको, आपका आभार, और ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल का आभार। तो मैं अब विदा लेना चाहता हूँ, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद सहित नमस्कार। अलग से भी आप बता सकते हैं कि कैसा लगा कार्यक्रम। धन्यवाद, आभार, नमस्ते।